नमस्कार दोस्तों, मैं उनर्द सिंह और स्वागत है आपका हमारे चैनल नॉलेज ओपनर पे। और इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं, अगर आप एक पीसीए एक्सप्रेस कार्ड लेते हैं या फिर पीसीए एक्सप्रेस अडॉप्टर लेते हैं और उसके दौरान अगर आप अपने मोबाइल हॉटस्पॉट से इंटरनेट चलाते हैं या फिर मोबाइल से बहुत सारी फाइलें भेजते हैं, तो आपके सामने दो बैंड आपको मिलते हैं। ठीक है, एक तो मिलता है दोस्तों 2.4 GHz, जिसकी रेंज बहुत लंबी होती है, और एक मिलता है 5 GHz। ठीक है, तो इन दोनों में आपको इंटरनेट की स्पीड का कितना अंतर आता है अगर हम दोनों पे स्पीड टेस्ट करेंगे। नमस्कार दोस्त, तो चलिए दोस्तों अभी हम स्पीड टेस्ट करने वाले हैं 2.4 GHz वर्सेस 5 GHz का। तो सबसे पहले 2.4 GHz का स्पीड टेस्ट करेंगे। तो मेरे पास जो सिम है वो जियो की पोस्टपेड कनेक्शन है, जिसके अंदर 599 आपको अनलिमिटेड इंटरनेट मिलता है। तो हाल फिलहाल मैंने कौन सा भी इंटरनेट कनेक्शन किया है, तो मैं खोल देता हूँ वाईफाई, और यहाँ पर जो ये आप देख रहे हैं ना वाईफाई, इसको मैं कनेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, हॉटस्पॉट्स ओपन है, और ये जो देख रहे हैं ना, ये 2.4 GHz है, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, तो ये देखिए 2.4 GHz नेटवर्क बैंड है। ठीक है, तो इसका हम अंदर स्पीड टेस्ट कर लेते हैं कितनी स्पीड मिल रही है। तो सुबह के बज रहे हैं 10:51, और हम लिख लेते हैं इंटरनेट स्पीड टेस्ट। आप बोलेंगे भाई तूने समय क्यों बताया, क्योंकि हमारे अलग अलग समय में अलग अलग स्पीड मिलती है, इसलिए आपको समय बताना आवश्यक है। तो हम 3 टेस्ट करेंगे दोस्तों, ताकि जो रिजल्ट है वो हमें ठीक ठाक मिल सके। चलिए स्पीड कर लेते हैं। तो जो पहला स्पीड टेस्ट है उसके अंदर हमें डाउनलोडिंग स्पीड मिली है 9.74 और अपलोडिंग मिली है 4.45। तो चलिए हम दूसरा स्पीड टेस्ट कर लेते हैं। तो जो दूसरा स्पीड टेस्ट है इसके अंदर हमें जो डाउनलोडिंग स्पीड है वो मिली है 19.42 और जो अपलोडिंग मिली है वो मिली है 4.44। तो चलिए तीसरा स्पीड टेस्ट कर लेते हैं। तो तीसरी स्पीड टेस्ट के अंदर हमें मिली है 19.1 और अपलोडिंग मिली है 4.15। तो ये हमने जो स्पीड टेस्ट किया ये 2.4 GHz पे किया है। तो अभी हम 5 GHz स्पीड टेस्ट करके देखते हैं उसी डिवाइस के साथ उसी समय उसी नेटवर्क में, तो उसके दौरान हमें कितनी स्पीड मिलती है। तो चलिए दोस्तों अभी 5 GHz स्पीड टेस्ट कर लेते हैं कि इसमें हमें कितनी स्पीड मिलती है। तो पहले हम जो हमारा वाईफाई है इसको कर देते हैं डिसकनेक्ट। ठीक है, और जो हमारा फ़ोन है उसके अंदर भी हमें सेटिंग चेंज करनी पड़ेगी, क्योंकि फ़ोन के अंदर भी हमें आपको दो बैंड मिलते हैं 2.4 GHz और एक मिलता है 5 GHz। जो 5 GHz होता है इसकी रेंज कम होती है, पास पास में पकड़ लेते लेकिन दूर यह नहीं पकड़ता। ठीक है, तो चलिए हमने जो हमारी फ़ोन है उसकी सेटिंग ठीक कर ली है, और हमारा वाईफाई एक बार बंद कर वापस ऑन कर लेते हैं। ठीक है, तो अभी जो ये आप देख रहे हैं ना इंटरनेट, ये 5 GHz होना चाहिए। ठीक है, पहले हम सेटिंग चेक कर लेंगे 5 GHz है या नहीं है, वरना फ़ोन को रीस्टार्ट भी करना पड़ जाता कभी कभी। अभी देख लीजिए ये 5 GHz का मिल रहा है। तो चलिए हम अब इंटरनेट की स्पीड चेक कर लेते हैं। ठीक है, इंटरनेट स्पीड टेस्ट। ठीक है, तो इसी साइड से हमने टेस्ट किया, तो वापस इसी साइड से हम कर लेते हैं। ये देखिए सुबह का 10 ही बज रहे टाइम है, कुछ चेंज नहीं है, जियो की है जिसके अंदर अनलिमिटेड इंटरनेट मिलता है। तो इसके अंदर अब आप देख लीजिए कितनी स्पीड मिल रही है मुझे अभी। तो पहले टेस्ट के अंदर दोस्तों में जो स्पीड मिली डाउनलोडिंग वो मिली है 19.50, और जो अपलोडिंग मिली है वो मिली है 5.17। तो फिर से दो बार कर लेते हैं जिससे हम पता चलेगा अधिक से अधिक कितनी मिल रही है और कम से कम कितनी मिल रही है। तो डाउनलोडिंग मिली दोस्तों में 23 और अपलोडिंग मिली है 5, और एक लास्ट और टेस्ट कर लेते हैं।
तो मुझे जो डाउनलोडिंग स्पीड में वो मिली है 35.72, और जो अपलोडिंग मिली है वो मिली है 4 पॉइंट के लगभग मिली है। तो आप देखोगे भाई फ़र्क कुछ ज़्यादा नहीं आया, फ़र्क आया दोस्तों लगभग हमें भी उसके अंदर 19 मिली है और इसके अंदर 35 मिली है। और अगर मैं अब मेरा व्यक्तिगत अनुभव बताऊँ ना, तो सुबह सुबह जब मैं 5 GHz स्पीड चलाता हूँ ना जियो की, तो 100 MB मिलती है और 2.4 में मिलती मुझे 40। तो ज़्यादा स्पीड होती है ना तो आपको अंतर स्पष्ट दिखाई देता है। तो इस वीडियो के अंदर दोस्तों हमने स्पीड टेस्ट किया है 2.4 GHz वर्सेस 5 GHz का, और आने वाली वीडियो के अंदर दोस्तों हम फाइल भेज के भी देखेंगे कि अगर आप 2.4 GHz कोई फाइल भेजते हैं तो उसमें कितना फास्ट जाती है, और 5 GHz भेजते हैं तो उसमें कितना जाता है, ये हम आने वाली वीडियो के अंदर टेस्ट करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट समझे, ऐसी वीडियो देखना चैनल सब्सक्राइब करने साथ बेल आइकन दबाएं। थैंक यू।